मोमिनी नज ब्रेक बात बस खुश आमदी सदा हजारा प्रोग्राम मोमिनी नालेज ब्रेक पेश कि मो कोईटा गब मिजा दे रो कदे इंजीनियर ना दे ली उना गबाई कोईटर सत बेखे दिलाज मुख पुर दर्द अस्त हमेशा दिगम पुर दर्द करता मगर बाज दुआ के दर इस दी बाज हम मो बड़े आले रसूल इक जुल्मा शुद अमीर नादिर साहब हम गुफ्तन देगा मोख ए चीनी इस दी इनशाला बाज हम वो बर्दाश्त दरे और बर्दाश्त मुनी और बायत मोमन खे इतफाक पैदा करनी मोमन खे इतिहाद पैदा करनी मोमन खे एक यकजहती पैदा करनी कि मो ये चीज़ आ रहा फेस कर बैठनी और कैसा मुकाबलेश कर बैठनी मोमिन मोल टेलीफोन लाइना वाशुदा हर कस फ़ोन करनी से शुमो ज़रूर फ़ोन किन अस खातिर कोयटा गप दें अस खातिर शोदाई कोयटा गप दें मखामेश अमीर मुकम कि ख़ास तौर वो गरीबा कि जाना शन रफ्ता शहीद चुतन दई नाम कि उना आज़रा है उना शियान उना मौला लीर मन करनी वाला आस्तन देगा ज़ालिमा खू दाउ चलंदर ये मगर मोम बैद एक रार पैदा करनी मोमन एक इतफाक़ करनी मन एक इतिहाद करनी कि पर एक गवर्नमेंट अर्च में थे नहीं कि बिरून मुल्क आस्ती और प्रेशर बिन रजी है कि बड़े एम्बेसिया बिन रजी कि कदे अर्कशार अस्ती अर्जाय अस्ती कदे सफ़ीराओं जागा बायत एगो मुलाकात आशना मोय अगे ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी कि मो गबाई खुद पेश बुबरी कि बड़े गवर्नमेंट के अस्ता यक इतर प्रेशर बोफ्ता कि यक कानून के अस्ता अर्कस की कसर कतल मुना और मुगम कतल कदम बाज़म शन सज़ा मिलाऊ नमशा बाज़म शन एक चीज़ नमशा देगा मोमिन मो केस्ता बायत केस्ता वो गरीब आर दयात खुबेली वो शोहदार बायत दयात खुबेली हम तरीके में गुफ्तम सिर्फ से रोज़मंदा चार रोज़मंदा कि ईद माया बिसारी मर्दमा खुशहाल है बिसारी मर्दमा केस्ता ईद मनाऊना और वो गरीब आग दखाना शन जवाना शन रफ्ता वो गरीबा कि शहीद चुरन सर रोज़गार खुबदन सर रोज़ी खुबदन शन आज़रा गुफ्ता शहीद कदा हुनर शिया गुफ्ता शहीद कदा और लावेज़ के साथ दिगा शारा कैसा शहीद इमरोज सर शिया खो अस्त जुलम दहर सर दुनिया चाहिए मुतर की नादिर साहब हम गुफ्तन बहरैन बादशाह कुवैत बादशाह सऊदी बादशाह मने जी दिस जी कलान मुल्का मस्त इनाम शरारता हमना देखा मोमिन मो टेलीफोन ले नारवास के दयाली और कस्म खाया को टेलीफोन करें शुमो ज़रूर टेलीफोन किन और शुमो कैसा बड़े बाबत कोयटम ज़रूर गप दें और बड़े जी प्रोग्राम हम ज़रूर गप दें देखा उस शहीदा शहीद चुनान जाना शरफ़ता मो परिजुना बायत गप दे उन्हार हमेशा दयात खुबेली और अमुतर की नादिर साहब की अस्तर गुफ्तन गरीब शुई ख्वार जुना केस्ता तब ने दुकान सिर्फ कम ज़रा एक चाश चाश रोज़ बदा ख्याल रोज़ एक चंद रोज़ पेश बड़े ब्रेक में खस्ता खाओ को ना तब ने दुकान हम दतेला शदा तो दुकान सर्च गोली सदा अस मैंने दुकान से पूछ रफ्ता और शहीद करा मित्र कैसा दमने क्लिनिक डॉक्टर कैसा ऊन जी रफ्ता तेला शुदा ऊन जी उमर इजारम शहीद करा मैं एक टेलीफोन में गिरे टेलीफोन लाइन में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम इस्माइल गप मुकम बिसर खुश आमदी डॉक्टर साहब बिसर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह ओला गबाई नादिर साहब गोश कदम بسیار افسوس چود ظاهر افسوسی است بله اور آدم چی بگا تا امروز نه روز رکت گرفته نموشنا اور روز بروز گفته نادر صاحب که است ظاهر در تنگ شد مورا زمین علمدار روڈ از اونجا آدم کجا بورا دیگه یک ریزا سجشن ما می دادم زمین تی مو ده انگلن کسی یک پیش پاکستان امبسی کلو رافتی اونجا چیز کدین एक दो दफा मां बुदुम लेकिन दिगा बिरादराम बुदन बेंबे थी डेमोंस्ट्रेट का दी एच कार न शुद दिरीम दफा गत चितोर अगर तमाम आदमा की मिशनवा ने में एक प्रोग्राम जोर कर दर रुई बुरु यूनाइटेड नेशन बोर ही कम हमुन जागा एक आवाज खुबिलन कनी शायद कस बिशनवा या हुकूमत पाकिस्तान गोश कना एगो मेजर बिकरा द खिलाफ ना दहशतगर्दा क्योंकि वरे आदरा आदरा या दो चार नफर मुबदे खबर चलो आदम खुर्द मगर तो पूरा कौम असा की पताकत बोरस कोई था हां कोई चर खेले ने में था ना बले ना ये आदम या जमे तर ऑर्गेनाइज कालीन नगर मुशना आदम बोर रिवर यूनाइटेड नेशन वाला कम जो शोर करना चाहिए मगर
والله گپ خو بسیار خوب است باید چنه د هر طریقه د هر چیز مو باید هر چیز پیش هر کس هر چیز شروع میتنه باید مو کیسته یک نه کار کنی او چر کی د دنیا ډاک سب خوش مخبر یک مال یک جان یک قدر عزیز است دیگه جانا ډاکټر انجینیر نادر علی علی گفتنم کی از یکونی مزار زیات کسته جوانار شهید کدن دیگه او خاندان زنا کسته غریبا چقدر تکلیف است او تر خاندان خل شاید کس نه باشه کی دمنه فیملی شن کس نه کس شهید نشده باشه نه اور 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 دیم دوسری سجیشن جو میں دینا چاہتا ہوں اگر مائن نہ کریں میں اور ضرور ضرور بالکل آپ بات کریں کہ کوئٹہ کی آبادی پچھلے 15-20 برسوں میں کئی گنا بڑھ گئی ہے اور وہاں پہ صرف ایک پاسپورٹ آفس ہے اور جتنے بھی انسیڈنسز ہوئے ہیں ہمارے قوم کے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ پاسپورٹ آفس کے آس پاس ہوئے ہیں بھی ہوئے ہیں تو اگر ایک سجیشن پتہ نہیں حکومت سنتی ہے نہیں سنتی ارباب اختیار کوئٹہ میں ہیں اگر ایک سب آفس چھاونی کے ایریے میں پاسپورٹ آفس اگر کھول دیں جہاں پہ جا کے کوئی اپنے ضروری کاغذات دکھا سکے اور وہاں سے اپنا پاسپورٹ وصول کر سکیں تو یہ بھی ایک سولوشن ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ دہشت گردوں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کریں اور تو کوئی نہیں کرے گا آرمی ہی سے ایک امید ہے آرمی بیچارے بقول آپ کے کہاں کہاں جائے آرمی بھی کیا کر سکے گا لیکن پھر یہی ہے کہ اگر فرض کریں کوئٹہ کے وہ بولان شاپنگ سینٹر میں یا چلٹن میں یا کہاں پہ ایک سب آفس کھول دے جہاں پہ کہ پاسپورٹ کا جو معاملہ ہے لوگ اپلائی کریں وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس کو دے دیں اپنی جو ضروریات ہیں ان کو وہاں پہ کارسپونڈنس ان کے تھرو کر دیں تو تاکہ ان بیچاروں کو پاسپورٹ آفس کے کی طرف جانے کا وہ نہ ہو حالانکہ پاسپورٹ تو ضروری ہے انسان کے لیے بالکل ہر شہری کو چاہیے کہ اس کے پاس پاسپورٹ ہو چاہے وہ سفر کرے نہ کرے اس کی مرضی لیکن پاسپورٹ تو ان کو ملنا چاہیے میرا ایک سجیشن یہی تھا کہ اگر ایک پاسپورٹ آفس یہاں چھاونی کے ایریے میں سب آفس کھولا جائے جی تو اس میں کیا برائی ہے بالکل ہاں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب بسیار مہربانی خانہ آباد ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر اسماعیل ہمیشہ فون کرتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے دیکھیں کہ آپ نادر صاحب نے بھی بات کی تھی کہ تقریباً ابھی دو ہفتے پہلے شاید اسی رمضان کے مہینے کے دوران ایک شخص جس کا جوان بیٹا پچھلے سال شہید ہوا تھا اس کے باقی جو دو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے کو بابا بھیجو اپنے باپ کو کہا ہمارے کو کوئٹہ سے باہر بھیجو ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے پاسپورٹ بناؤ وہ اپنے دو بیٹوں کو لے کے وہ پاسپورٹ آفس پہ گئے وہ جب آپ پاسپورٹ آفس پہ پہنچے ابھی پاسپورٹ آفس کھلی نہیں تھی وہ وہاں پہ بیٹھے تو اسی دوران میں لوگ آئے اس دو بیٹوں کو بھی مارا باپ کو بھی مارا ان کی والدہ بھی تھی جو زخمی ہوئی ہے ہم امن ایک کال اور ہم لیتے ہیں السلام علیکم خوش آمدید وعلیکم السلام طیب صاحب اصول صاحب سید بول رہا ہوں صاحب السلام علیکم جی جی میں اصل میں آج یہ ہے کہ آپ ہزارہ پروگرام کر رہے ہیں سدائے ہزارہ تو بڑا اچھا ایک کام ہے جس میں آپ لوگوں کو اویئر کرا رہے ہیں آپ کس کس بات کا رونا رویا جائے دراصل اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان سبوں نے اپنا وقت گزارنا چاہے وقت گزاری کے لیے آتے رہے ہیں پھر اس میں کرپشن آ گئی پھر اس میں قرضے حلف کرنے والی باتیں آ گئیں جی اب اگر کسی طرح جو آرمی کو فری ہینڈ دیا گیا تو وہ رینجر اور آرمی اگر بات کو کراچی سے ختم کر دے پاکستان کے حالات شاید بہتر ہو جائیں اللہ کرے بہتر ہو جائیں گے اللہ کرے جی جی لیکن اگر یہ ان کو ایک دفعہ کہہ کر مہینے مہینے کی ان کو ایکسٹینشن دیں گے تو اگر خدا نہ خاصا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ جڑ کے دوبارہ اس میز پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا سارے پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہ پہلا جو گادہ یہ صاف کیا جائے اور اس میں جتنے قرضے والے ہیں ان کو انہیں ان سے قرضوں کی وصولیابی ہونا چاہیے اس کے علاوہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر اور یہ دہشت گردی یہ بھی کسی سے متعلق ہے جو لوگ پتہ لیتے ہیں کراچی میں کتنے عرصے سے پتہ جاری ہے بہت مفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بلکہ یہ دوسرے شہروں میں بھی تھا تھوڑا بہت لیکن کرتے کرتے کراچی ایک اس کی ہماجگاہ بن گئی ہے تو وہاں
वो लोग जो लेते हैं उसको, जाहिर है कि वो खुद तो नहीं खाते, उसके पीछे बहुत हैं। बिल्कुल, बहुत पीछे आते हैं उसके पीछे जी। और इसमें बड़े बड़े हाथ आते हैं, तो शायद ये अल्लाह करे कि ये मामला रुक जाएगा और पाकिस्तान एक अच्छे ट्रैक पर चलना शुरू होगा, अगर अगर इसको फ्री हैंड दिया गया, वरना सिंह हुकूमत इसकी मुजरम होगी। और ये बबांगे द्वारा हम कह सकते हैं कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो सिंध हुकूमत उसमें शामिल है, और सिंध हुकूमत की वजह से ऐसा होगा। खुदा करे कि उससे पहले बात सुलझ जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मेहरबानी आपने फ़ोन किया। शाह साहब क्या करें कि अगर हुकूमत जो इस वक्त सर इख्तदार है, अगर वो सारे पैसे यहाँ से निकाल के बाहर मुल्कों के ले जा रहे हैं, तो जो बाहर वाले जो मुल्कों में हम जैसे रहते हैं, हम वहाँ पे हमारा कोई काम फंस जा रहा है, तो वो काम निकालने के लिए, मेरे को पता है, मैं पिछले साल पाकिस्तान में था, मेरे को 8 महीने लगे एक छोटे से काम करने के, जो मेरा जायज़ काम था, मेरा अपना काम था। तो वहाँ पे जाके आपका कोई काम बनने वाला नहीं होता है। तो मोमिन क्या करें, अभी हम यहाँ पे रहते हैं तो तकलीफ़ में हैं, हम पाकिस्तान में जो हालात ऐसे होते हैं तो हम तकलीफ़ में हैं, और जो बिगड़ते हुए हालात हैं, और ख़ास तौर से जो ये जो जान वाली बात है, जो जिनकी जानों को लिया जाता है, अभी नादिर भाई ने बताया कि तकरीबन 1500-1500 के करीब हज़ारा शिया सिर्फ कोयटे में शहीद किए गए हैं अभी तक, और सिर्फ इस महीने 35 दिन में 25 लोगों को शहीद किया गया। जैसे मैं अभी बता रहा था कि पासपोर्ट ऑफिस में जिस शख्स का जवान बेटा पिछले साल शहीद हुआ था, उसके दूसरे दो बेटों ने कहा हमारे लिए बाबा पासपोर्ट बनाओ, हम जाने वाले, वो पासपोर्ट ऑफिस पहुँचे, वो शख्स खुद भी था, उस तीनों को शहीद किया, और वो कभी जा नहीं सकेंगे, और उनकी जो उम्मीद थी वो उनके साथ था, वो ज़ख्मी हुए। तो मोमिन देखे, लोग ऐसे आके खुलेआम वो लोगों को कत्ल करते हैं और भाग के चले जाते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं होता। एक कॉल और लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चंगेज़ी साहब। जी सलाम वालेकुम जी, वो मिजाज शरीफ से नकवी बोल रहा हूँ। नकवी साहब बहुत बहुत खुश आमदीद, आप कैसे हो? हम दुआएं आपकी, आप सुनाएं, रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस रोज़े इंशाल्लाह, तो रोज़े तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अभी देखो ईद भी आने वाली है, लेकिन चेहरे पे रौनक नजर आ रही है, बस रमजान जा रहा है। जी जी जी, जिंदगी में पता नहीं फिर मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल का पता नहीं है। बिल्कुल, बात हो रही थी आजकल आपकी, चंगेज साहब एक बात, जिस हकीकत को हम मानने के लिए तैयार हैं भी और नहीं भी। जी जी, जबानी कलामी तो हम मानते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम नहीं मानते। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारा एक असूल बन चुका है कि हर जाने वाले को हम बुरा कहते हैं और हर आने वाले को हम वेलकम कहते हैं। बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी कमजोरी आवाम की भी है कि वो इल्म, ज्यादा इल्म ना होने की वजह से, ज्यादा जाहिलियत होने की वजह से हम इसको वक्त पे नहीं सोचते, बाद में हम शाम गुजर जाता है तो लकीर को पीटते हैं। देखा हमने यहाँ तक ये है कि जो भी आया है, जिस तरह भी आया है, जब वो आता है तो हम उसे बड़े प्यार से और बड़े दिल से वेलकम करते हैं और कहते हैं, लेकिन बाद में हम काफी अफसोस मलते रह जाते हैं कि हमने ये गलती की, इसको क्यों लेके आए। ये सबसे पहली बात हमारी कमजोरी है हमारी कौम की। अब बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, बात यहाँ पे खत्म होती है कि एक कदम और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि जिनको हम बार बार आजमा चुके होते हैं, फिर हम उसको बुला के, फिर ला के, फिर बढ़ा देते हैं, और फिर हम चीखते हैं कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि पहले आजमा चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम वक्त पे उस बात पे कभी गौर नहीं करते, कभी नहीं सोचते कि आजमाइयों को नहीं आजमाना चाहिए, लेकिन हम फिर उनको बुला के, फिर आजमा के, फिर हम कहते हैं हो सकता है। जब हो सकता की बात होती है तो उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमें सबसे पहले तो फैसला ये करना चाहिए कि हर आने वाले को हम सोच समझ के लाएं, और जब सोच समझ के लाएं तो फिर जब वो गलत काम करे तो फिर हम अपना कसूर माने कि ये हमारी गलती थी, हम लेके आए हैं, और ये हमने जिंदगी में कभी मानना ही नहीं है कि हमारी भी गलती हो सकती है। अगर पाकिस्तान में हर इंसान अपनी गलती मान ले तो जेलें भरी ना हो, वकील करोड़पति ना हो जाए। वो करोड़पति होते इसलिए कि हम मानते नहीं है, और उनकी फीसें भी बढ़ जाती हैं और जेलें भी भर जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मैं गुजारिश ये करूँ, अपने अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँ कि खुदा रा लाने से पहले सोचें, जब ले आते हैं तो फिर बर्दाश्त करें, और फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर अपनी गलती को माने, और फिर अपनी गलती को मानते हुए अपने आप को दुरुस्त करें। जब अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे तो आइंदा फिर कोई नहीं आएगा। जब
उसका एहतसाब होगा, आप अवाम ही एहतसाब करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना, तो कोई अदालत है ना कोई महकमा है, कोई ऐसी चीज आपको मिलेगी नहीं कि जिसमें आपको कोई अच्छाई मिल जाए या वहां पे करप्शन ना हो, ये तो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लेकिन अब देखना है कि इसको सही किसने करना है, सही करने के लिए हमारा अवाम ही है जो ताकत रखते हैं। अगर अवाम ही अगर ये सोचना छोड़ दें और हर आने वाले को वेलकम करें, जाने वाले को गालियां दें और बस इसमें बस कर दें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हालत कभी सुधर नहीं सकेगी ना कोई सवार सकेगा। इसका एहतसाब जब भी करना है अवाम ने करना है, सोच के करना है, और फिर अवाम जब एहतसाब करें तो उसमें वो अदालत का भी एहतसाब करें, उसमें महकमों का भी एहतसाब करें, उसमें बड़े बड़े सियासतदानों का भी एहतसाब करें, उसमें बड़े बड़े जर्नल जिन्होंने डिक्टेटरशिप की उनका भी एहतसाब करें, क्योंकि जब तक अवाम इन सब का एहतसाब नहीं करेंगे ये अपने अपने मैदान में खड़े होकर अवाम को ही कुचलते रहेंगे, और हम अवाम हमेशा कुचले जाते ही रहेंगे। कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के सोमो मोटो थले नीचे कुचले जाएंगे, कहीं वो पैसा बाहर भेजने वालों के हाथों कुचले जाएंगे, बिल बिजली के नीचे कुचले जाएंगे या गैस बिल के नीचे कुचले जाएंगे, ये कुचलते जाएंगे, लेकिन जब तक अवाम जागेगी नहीं तब तक। बस नकवी साहब, सबसे यही बड़ी बात है कि अवाम को जागनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे को, आपने फ़ोन किया। मोमिनीन, ये तो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना, एक तो ये होनी चाहिए कि हर मरतबा बारी वाली बात पे इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, और आवाम को अपना लीडर ऐसे लाना चाहिए जो एक लीडर दो मरतबा आया उस दो मरतबे से ज़्यादा उनको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में देखे, उन्होंने कहा कि हम इस्लामी जो जितनी भी जमातें हैं उनको बिल्कुल सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। इस तरह के कोई कानून बन जाए और आवाम ऐसे कानून को पास कराए हुकूमत से कि हुकूमत मजबूर हो कि वो कानून के मुताबिक उस मुल्क को चलाने में उसकी हिम्मत बढ़े और वो उसको चला सके। ऐसे नहीं है कि हर कोई अपने घर के जो है वो कानून बना के, आप देखें आज मैं कहता हूँ जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून है, उसने अपने घर से कितने लोग हैं उसके जो हुकूमत में शामिल है, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर पत्नी है, जो सूबाई वज़ीर हैं उसमें, और सब अपने लोगों को उन्होंने लगाया। तो इस तरह से हुकूमत जो है बड़ी मुश्किल से, यह तो फिर वही शहनशाही वाली हुकूमत बन जाती है। क्या करें, बस हम तो चाहते हैं कि कानून ऐसे हो कि जो गरीब के लिए भी अच्छा हो और सबसे ज़्यादा जो है गरीब को उससे कोई वो बेनिफिट मिल जाए। मोमिनीन, बाकी हम तो सियासत के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं, हम तो यहाँ पे रह के हम हमेशा दुआई करते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक, हम निकले थे पाकिस्तान से जब 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, लेकिन हमारा दिल आज भी पाकिस्तान के साथ है। हम हमेशा दुआएँ करते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हालात के लिए, लेकिन पाकिस्तान में जो ये हरकतें करते हैं आज हालात ऐसे बिगड़ते जाते हैं, तो देखें ये जो हालात को बिगाड़ने वाले हैं इनको सज़ा तो मैंने कभी नहीं देखी कि सज़ा मिले। तो कानून की बालिस्ती होनी चाहिए और कानून को ऊपर आके इनको मुजरिमों को, जो चाहे वो कतन में इन्वॉल्व है, चाहे वो शरारतों में है, चाहे वो मुल्क की जो हालात को बिगाड़ने के सूरत में जो मुल्क को ख़राब कर रहे हैं उनको सबको सज़ा होनी चाहिए। हमने देखा था कि पाकिस्तान में नैब भी बना हुआ है, वो नैब कभी हमने नहीं देखा कि कभी किसी को सज़ा दिया हो किसी लीडर को। मैंने अभी पिछले दिनों कल परसों ही सुना था कि किसी मुल्क के जो प्रेसिडेंट था उसको भी सज़ा हुई है, उसको पता नहीं कितने सालों के जेल हुए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे हालात तो बड़े मुश्किल है कि कोई किसी को सज़ा दे सके और कानून की बालादस्ती हो। खैर, हम बात तो यही कर रहे हैं कि मोमिनीन आज जिनके साथ जुल्म हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हम चाहते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस ले, हुकूमत ये जान ले कि वाकई मुल्क के अंदर जो ज़्यादती हो रहे हैं, जो कत्ल आम हो रहा है और जो कत्ल करके भी कहते हैं हाँ हमने कत्ल किया, उनको कम अज़ कम सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे हमारे नादिर भाई ने भी बताया, हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया। तो मोमिनीन, हम हमेशा यही आवाज़ें लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक हो, दुआएँ भी करते रहते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो, लेकिन पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे, पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक होंगे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो हम और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, लेकिन जिनके घर में जिनको दुख पहुंचा है, जिनके घरों से जिनके जवान शहीद हुए हैं, उन घरों को वापस कौन उनको जो है उनके हालात को ठीक कर सकता है, या उनके जो जिनके शहदा जिनके घर से जो शहीद निकले हैं वो शहीद हुए उनको कौन वापस ये कह सकता है कि ना हम आपको आपका जो है बेटा वापस दे सकते हैं, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर से मैं क्वेटे के बारे में मेरे को ज़्यादा पता है कि हमारे हज़ारा ट्राइब में तकरीबन ऐसा ख़ानदान, ऐसे शख्स नहीं है, ऐसे घर वाले नहीं है कि जिनके लोग
शहीद ना हुए हो, हमारे अपने घर में कितने सारे शहीद हो गए, और इसके अलावा हमने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जो पाकिस्तानी फ़ौज में, पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट में, पाकिस्तानी एयरफोर्स में, अभी मेरा एक जो छोटा मेरे बीवी का छोटा भाई था जवान, वो कारगिल में मेजर था, गरीब, उसने सोर्ड ऑफ आनर भी लिया था पाकिस्तान आर्मी में, तो उसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। मेरे बहनुई ने अभी उसकी शादी हुई थी, उस गरीब का 71 वार में वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, वो शहीद हुआ, उसने पाकिस्तान के लिए जान दी, उसका बेटा उसके बाद पैदा हुआ। हमने हमेशा हर जगह कुर्बानी दी है, अपनी जान दी है, लेकिन आज हमारे लिए कोई बात करने वाला नहीं है। आप यकीन जाने, जैसे मेजर नादिर इंजीनियर नादिर अली साहब ने बताया कि 1500 के करीब जो शहदा शहीद हुए कोयटे में, हमने आज तक नहीं देखे कोयटे में किसी को पकड़ा हो और फांसी की सज़ा हुआ हो कि इसने किसी मोमिन को मारा है, या किसी हज़ारे को मारा है, या किसी शिया को मारा है। तो मोमिनीन, हम यही चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, और हम पाकिस्तान के लिए अब भी दुआ करते हैं और दुआगो हैं हमारे लोग। जैसे नादिर साहब ने कहा कि हिजरत करके कब तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कब तक या यूके जाएंगे, वहाँ के हालात भी तो अभी मुश्किल होते जा रहे हैं, हर कोई जा भी नहीं सकता। और देखे तालीम में, हमारा तालीम हमारे बिल्कुल जो 90% उन्होंने कहा हमारी लिटरेसी रेट था, आज वो तकरीबन बिल्कुल सिफर होता जा रहा है। हम डिग्री कॉलेज की तरफ नहीं जा सकते, हम अपने यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा सकते, हम अस्पतालों की तरफ नहीं जा सकते, हम किसी तरफ भी नहीं जा सकते, हमारे बिजनेसों पे, दुकानों पे, जैसे मैंने कहा कि उनके बहनुई के उनके दुकान में मारा, ऐसे कई हादसे हुए, 100 के करीब दुकानों में अपने थे, जो दुकानों में बाज़ारों में अपने बिजनेस के लिए जा रहे थे, उनको शहीद किया गया। तो हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो। मोमिन, बस आज हम अपना प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं, बस दुआ करते हैं कि इस माह मुबारक में, इस माह रमज़ान में, जिन जिन के घर में शहदा शहीद हुए हैं, हमारी दुआएं उनके लिए है, और हम उनको ज़रूर याद रखें। तो हम फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं आज के लिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूज़डे पे हम फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेकिन शहदा को ज़रूर, जिनको अली के नाम पर, जिनको शिया के नाम पर शहीद किया गया है, उनको ज़रूर अपने याद में, अपनी दुआओं में याद रखें। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं आज के लिए। फ़ियामल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, खुदा हाफिज़।